राज्य पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को धर दबोचा है। बता दें कि 2 युवक हरमू के फल मंडी के पीछे हरमू नदी के किनारे गांजा खरीदने गए थे। इस दौरान अपराधियों ने दोनों युवकों से मोबाइल और पैसा का छीनने लगे, जिसके बाद ये एक युवक ने अपने मोबाइल और सारे पैसे दे दिए। वहीं दूसरे युवक, जिसका नाम अभिषेक कुमार था, उसने मोबाइल देने से मना कर दिया, जिसके बाद अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं अभिषेक की मौत हो गई, जिसके बाद आज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस का में प्रयुक्त चाकू और अभिषेक के पास से उनका स्मार्टफोन, वहीं कांड में लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। 3 लोग गिरफ्तार किए गए 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन। ये पूरी घटना हुई थी और पुलिस को क्या सूचना मिली, क्या वजह बनी थी? देखिए, कल जो है रात्रि में एक अभिषेक की हत्या हुई है, जो HDFC बैंक में काम करते थे। घटना के बाद पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची और उस कांड का अनुसंधान आरंभ की, तो ज्ञात हुआ कि जो मृतक हैं वो उस क्षेत्र में, तो जो हरमून नदी के किनारे में गांजा खरीदने गए थे, उनके साथ एक मित्र भी था। और गांजा खरीदने के बाद जब वो लौट रहे थे तो अपराधियों ने उनसे मोबाइल छीनने का प्रयास किया, वो मोबाइल नहीं दे रहे थे, जिस पर अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने बहुत ही जल्दी घटना का उद्भेदन किया और घटना का उद्भेदन मात्र घटना के 3-4 घंटे के अंदर हो गया और उसके बाद गिरफ्तारी भी अपराधियों की हो गई। जिस हथियार से गोली चलाई गई थी वो हथियार भी बरामद हो गया है और कांड का पूरी तरह से खुलासा हो गया और हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल करा के जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। साथ ही जो हरमू नदी का जो जगह है जहाँ पर ये गांजा खरीदने बेचने की बात आ रही है, वहाँ पर हम लोग नज़दीक में कोई TOP खोलने का एक प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं पुलिस मुख्यालय। सर, ये किस तरह से ये जो युवक पकड़े गए हैं, एडिक्ट दिख रहे हैं, नशेड़ी हैं, अपराधी सभी के तो घर हैं ही सर? हाँ, ये जो इनके बातचीत से व्यवहार से लगता है कि ये ड्रग एडिक्ट दिखते हैं और बहुत बड़ी संभावना है कि हो सकता है नशे की हालत में इन्होंने ये काम किया।